दोस्तों नमस्कार, मैं अमरेंद्र कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मेरी पाठशाला। इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप भी अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करना या फिर PDF के रूप में बदलना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। जी दोस्तों, बात करेंगे हम एक बेस्ट ऐप के बारे में जो कि आप इस वीडियो में देख पाएंगे और सीख पाएंगे कि किस तरह से उसे प्रयोग करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर खोल लेना है और इसमें सर्च करना है ADOBE SCAN। इसे ओके कर लेते हैं और इंस्टॉल करने के बाद इसे आप ओपन कर लीजिए। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए खास है क्योंकि हम इसमें एक ख़ास तरह के चीज़ के बारे में इसमें बताने वाले हैं। दोस्तों यहाँ से आप कोने में जो दिखाई दे रहा है एक पिक्चर का चित्र, उस पर क्लिक कर लेना है और आप अपने मोबाइल से यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट चूज करेंगे। जैसे चलिए मैं चार तरह का डॉक्यूमेंट चूज कर लेता हूँ और ऊपर में कोने में दाहिने साइड में एक सही का निशान दिखाई दे रहा है, उस पर टिक कर देना है। इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट इम्पोर्ट होकर के यहाँ पर सर्च में आ जाएगा। दोस्तों आप चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट को क्रॉप करके उसे साइज़ में कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे क्रॉप का बटन दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर ऊपर में सही के निशान पर टिक कर लेना है। नीचे एक बटन दिया गया है रीऑर्डर, या दोस्तों इस पर क्लिक कीजिए। दोस्तों अगर आप चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट को क्रम वाइज या फिर इसका क्रम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 है, अगर 4 नंबर पर डॉक्यूमेंट को आप 1 नंबर पर करना चाहते हैं तो उस पर कुछ देर उंगली रख करके इंतज़ार करना है और जब ऐसा ब्लू रंग से चारों तरफ घेरा हो जाए तो उसे आप धीरे से उठाएंगे और ऊपर यहाँ पर रख देंगे, छोड़ देंगे, फिर यह अपना स्थान चेंज हो जाएगा। इसके बाद ऊपर कोने में जो टिक दिखाई दे रहा है सही का, इस पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट रीऑर्डर हो जाएगा और सभी डॉक्यूमेंट आप क्रॉप कर लीजिए। इसकी लंबाई चौड़ाई सही कर लेते हैं। उसके बाद सबसे अंत में यहाँ पर टिक कर देना है। इसके बाद सेव PDF पर क्लिक कर देना है, सेविंग एज PDF। अब यह PDF के रूप में सेव हो गया है। इस तरह से आप कुछ देर इंतज़ार कर लीजिए। रिकॉग्नाइजिंग टेस्ट, इस प्रकार आपका डॉक्यूमेंट PDF के रूप में सेव हो जाएगा। अब इसे आप चाहें तो किसी से शेयर कर सकते हैं या फिर इसे सेव करके रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपका कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें और साथ ही बताएं कि आपको यह ऐप कैसा लगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए इसी प्रकार के नए नए और महत्वपूर्ण वीडियो। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए मैं दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।